हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार पर पथराव, कार का शीशा हुआ क्रैक। पुलिस ने अमित व दीपक नाम के दो युवकों को हिरासत में लिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कार पर आज पानीपत में उस समय दो युवकों ने पथराव कर दिया जब अनिल विज कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेकर बाहर निकल रहे थे। जैसे ही अनिल विज अपनी गाड़ी में सवार हुए, दो युवकों ने पथराव कर दिया जिससे अनिल विज की कार का सामने वाला शीशा टूट गया। पुलिस ने हमला करने वाले दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। अनिल विज ने बताया कि जिन दो युवकों द्वारा उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, उन्हें नहीं पता कि युवकों ने ऐसा क्यों किया। शायद किसी समस्या को लेकर वो यहां आए थे, लेकिन बैठक में भीड़ ज़्यादा होने के कारण अंदर नहीं जा पाए। अनिल विज ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कहा कि पुलिस को सुरक्षा के मामले में चौकन्ना होना चाहिए। वहीं घटना के तुरंत बाद पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया। एसपी राहुल शर्मा ने बताया कि दोनों युवक पानीपत के रहने वाले हैं, जिनका नाम दीपक और अमित है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एसपी ने बताया कि दोनों का मेडिकल भी करवाया जाएगा, कहीं दोनों युवकों ने कोई नशा तो नहीं किया हुआ था। जो पुलिस ने अभी तक छानबीन की है, उसमें पुलिस का ये कहना है कि वो जो एससी एक्ट के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये दोनों उसका विरोध कर रहे हैं और उसके कारण उन्होंने ऐसा किया। उसमें पुलिस की चूक तो है ही है, तो उसके लिए हमने इनको कहा है कि उसका उनको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको विधि थी है कि मंत्री जी अपनी मीटिंग जैसे ही गाड़ी में बैठे, उस टाइम एक लड़के ने पत्थर उनकी गाड़ी के जो फ्रंट मिरर था उस पर फेंका है और मौके से हमने दो लड़कों को कस्टडी में लिया है। दोनों पानीपत के ही रहने वाले हैं। हमारी टीम अभी पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद जैसी अपडेट्स आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर। सर कितने? दोनों पानीपत के निवासी हैं। घटना जैसे ही ग्रीवेंस मीटिंग खत्म होने के बाद मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, लगभग 2:45 की घटना हो। सर SC ST का विरोध करने से बोलो कि वो अभी हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनका क्या इशू है, क्यों उन्होंने इस हरकत में, क्या कौन इसके पीछे है, वो अभी उनसे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो।